चलिए तो इस बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का पूरा मामला सामने आया है। शिष्य आनंद गिरी पर प्रयागराज में FIR दर्ज की गई है। आनंद गिरी को हरिद्वार से प्रयागराज लाया जा रहा है। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी हिरासत में लिए गए, तो वही आदित्य तिवारी के बेटे संदीप तिवारी भी हिरासत में हैं। अब तक 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी पर प्रयागराज में जॉर्ज टाउन थाने में नामजद FIR दर्ज हुई है, जिसके बाद आनंद गिरी हरिद्वार से प्रयागराज लाए जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। यूपी पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को मौत की वजह बताया था। वहीं यूपी पुलिस की सूचना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने देर रात को ही हरिद्वार के आश्रम में आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया। आनंद के बाद आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तो ऐसे में पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए आश्रम है श्यामपुर कॉलोनी क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और उन्हें हिरासत में लेकर यहाँ से गई है। और देर शाम जब महंत नरेंद्र गिरी के निधन की सूचना यहाँ पर मिली थी, तो तभी से ही चूंकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है और अभी अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कुंभ मेला संपन्न हुआ था, तो साधु संतों में यहाँ पर शोक की लहर थी। उसके बाद जब उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम आया था कि सुसाइड नोट में उनका नाम है, तभी हरिद्वार जो पुलिस है CO सिटी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में उनके आश्रम में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। और करीब 10 बजे उत्तर प्रदेश जो सहारनपुर SOG की टीम यहाँ पर पहुंची थी, 2 घंटे एक बंद कमरे में आनंद गिरी के साथ पूछताछ उन्होंने की है और 12 बजे हिरासत में लेके UP 32 इनोवा एक कार थी और उसमें लेकर पुलिस यहाँ से उन्हें यहाँ से निकली है। उससे पहले जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए आनंद गिरी महाराज ने ये कहा था कि उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, पहले कुछ लोगों ने उनकी गुरु से दूरी बनवाई और उसके बाद उनका मनमुटाव कराया और अब उन्हें इस झूठे मामले में फंसा जा रहा है, तो उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग उस समय की थी। जी, ऐसे में आनंद गिरी से जब पूछताछ की गई है तो उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है अभी तक, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, आनंद गिरी ने ज़्यादा इसमें खुलासे तो नहीं किए हैं, लेकिन उसने कहा कि कई लोग इसमें शामिल हैं, खुल के उनका नाम उसने नहीं बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है और अखाड़ों की संपत्ति अकूत संपत्तियां हैं। और हरिद्वार की अगर बात करें तो ये निरंजनी अखाड़ा बहुत बड़ा अखाड़ा है, इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर संपत्ति है, इसका रसूख बहुत ज़्यादा है इस अखाड़े का, और महंत नरेंद्र गिरी उसके सर्विस सर्वा हुआ करते थे, तो हो सकता है कि जब बाद में जांच होगी तो इसमें संपत्ति विवाद भी सामने आ सकता है। लेकिन आनंद गिरी जो उनके उत्तराधिकारी और उनके खास शिष्य हुआ करते थे, तो पिछले मई के माह में उनका मनमुटाव हो गया था, उन्होंने अखाड़े से निकाल दिया था, लेकिन बाद में कई लोग जो बीच में बैठे, कई संतों ने उसमें मध्यस्थता की, तो वो नाराजगी लखनऊ में दूर हुई थी और आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी को पैर पकड़ के वहाँ पर माफ़ी मांगी थी। उसके बाद उनका मामला शांत हुआ था, लेकिन देर रात जब आनंद गिरी से बातचीत हुई है तो उसने स्पष्ट किया है कि मई के बाद उनकी अपने गुरु से एक बार भी ना तो फ़ोन पे बातचीत हुई ना वैसे कोई बातचीत हुई है, तो उसने अपने को पाक साफ बताया कि इस पूरे घटनाक्रम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसमें अन्य लोग हैं। हालांकि अखाड़ों के कुछ लोगों की तरफ उन्होंने बिना नाम लिए इशारा किया है, लेकिन वो सब जाँच का विषय है। फिलहाल उन्हें पुलिस यहाँ से हिरासत में लेकर देर रात 12 बजे रवाना हो गई थी, यूपी पुलिस उन्हें लेकर यहाँ से चली गई थी। और क्योंकि हरिद्वार में बहुत लगाव महंत नरेंद्र गिरी का रहा है, हर महीने वो यहाँ पर अखाड़े में आया करते थे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर संत समाज में एक शोक की लहर है। हालांकि आज उनका
ब्रह्मजी नरेंद्रगिरी का वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यहां से भी काफी जो संत हैं वो इलाहाबाद देर रात यहां से चले गए थे। और यहां भी अखाड़े की अगर बात करें तो अखाड़े में एक शोक की लहर है और साधु समाज में पूरे में सभी में एक शोक की लहर है। जो भी साधु संत हैं इसे संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं कि इस तरह से उनका जाना, क्योंकि एक जीवट इंसान थे और सनातन धर्म की पताका को लेकर चलने वाले इंसान थे। कोई भी मुद्दा हो देश का, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर 2021 का कुंभ मेला आयोजित हुआ है, तो उनकी देखरेख में ये कुशल संपन्न हुआ था। तो लोगों को उनकी सूचना है, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे जा सकते हैं। उनके जाने के बाद शोक की लहर है हरिद्वार में, कह सकते हैं जी। इसी के साथ जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें नरेंद्र गिरी ने कहा है, उन्होंने जिक्र किया है सम्मान और अपमान का, तो ऐसे में क्या लगता है किस अपमान से वो इतना ज्यादा आहत हुए? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ तो अंदरूनी बात रही होगी, अखाड़ों की अपनी अंदर की बातें। चूँकि जब आनंद गिरी जो उनके खास शिष्य हुआ करते थे और जो बागमरी पीठ है तो उसमें दूसरे नंबर की अगर बात करें तो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके शिष्य थे और उन्हें जी बिल्कुल। धर्मेंद्र आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हमारे साथ प्रयागराज से संदीप भी जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभी फिलहाल जो भी चीजें हैं वो इसी बात पे उलझी हुई हैं कि ये वो कैसे हुई है, हत्या है कि आत्महत्या है, इस बात को लेकर गुत्थिया जो है वो जो है अभी सुलग नहीं पा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण पे जांच कर रही है और उम्मीद ये है कि आज पोस्टमार्टम के बाद बहुत सी जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर ये जो इसके पीछे जो हत्या और आत्महत्या के बीच जो गुत्थी उलझी हुई है वो प्रकरण क्या है। जी संदीप, क्या कुछ अपडेट, कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सकता है? देखिए अभी तो जो उनकी शव है वो मठ में ही रखा हुआ है, अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा नहीं गया है और 8:30 बजे ये उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद ही ये संभावना जताई जा रही है कि शायद उनके यहाँ पहुंचने के बाद और जो है शव को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा। फिर यहाँ पर अखाड़ों के पंच परमेश्वर पहुंचेंगे जिनकी एक बैठक होगी। बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि महाप्रेमगिरी के जो समाधि है वो किस प्रकार से की जाएगी और कहाँ पर की जाएगी। ठीक, आप संदीप बने रहिए हमारे साथ, खुर्रम भी जुड़े हुए हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास आत्महत्या मौत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जो पूरा मामला है नरेंद्रगिरी की संदिग्ध मौत को लेकर के, उसमें दो तहकीकात की हम बात करें, तफ्तीश की हम बात करें तो दो पहलू पर पूरा डिपेंड करता है। एक तो फोरेंसिक रिपोर्ट उस सुसाइड नोट की जो उनके बाद बताया जा रहा है बरामद हुआ है 7 पन्नों का, और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये दो चीज तय करेगी पूरा मामला कहता है। मसलन अगर मान लीजिए कि सुसाइड आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में ही मालूम चलता है कि जो लेटर मिला है वो नरेंद्रगिरी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कोई बड़ी साजिश है लोगों को फंसाने की। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उनकी मौत सुसाइड नहीं है, उनकी हत्या है, तो जाहिर सी बात है फोरेंसिक रिपोर्ट तब और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आखिर वो कौन शख्स, अगर उनकी राइटिंग नहीं है तो वो कौन शख्स है जिसने बदला है, और अगर उनकी राइटिंग होती है तो जाहिर सी बात है ये आएगा कि आखिर सुसाइड नोट लिखने के बाद उनकी हत्या क्यों की गई। ये कंट्राडिक्टरी चीजें होंगी, लेकिन जो फिलहाल पूरा मामला रखा हुआ है, और अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में भी आती कि उन्हीं की राइटिंग थी और सुसाइड भी तय हो जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन बात तब दूसरी शुरू होगी, वो ये होगी किन परिस्थितियों में उन्होंने खुदकुशी करी, किन परिस्थितियों में अपनी जान गंवा दी, तो तब ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे उनका हो चाहे उनका ना हो। अगर उनका होता है तो सीधे इनके नाम है उन पर शिकंजा कसेगा, और अगर वो उनकी राइटिंग नहीं होती है तो कौन हो सकता है जिसे वो लेटर लिखकर प्लांट किया, तब तहकीकात का दूसरा एंड मिलेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि अभी पूछताछ चल रही है, जो कि जो मठ के तमाम लोग थे उनसे पूछताछ चल रही है, और उसके बाद अभी फिलहाल तो मुख्यमंत्री को वहां आना है, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो वहां पहुंचे, और तफ्तीश अपने हिसाब से चल रही है, तेज रफ्तार चल रही है। लेकिन पुलिस का कहना यही कहना है इस पूरे मामले को लेकर जारी है। सीधा रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप, सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें ये अपमान और सम्मान का जिक्र किया गया है, आखिर नरेंद्र गिरी किस अपमान से इतना ज्यादा आहत थे? देखिए पिछले कुछ दिनों की बात है, पिछले 2 महीने के पहले की अगर हम बात करें तो उनका जो जिनका नाम है उनके शिष्य
आनंद गिरी का, उनसे उनका काफी विवाद हुआ था जिसमें तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो जारी किए गए थे जिसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप थे। इस बात से भी वो काफी आहत थे, लेकिन इसमें ये बात में ये हुआ था कि आनंद गिरी ने जो है वो सार्वजनिक माफी मांग ली थी सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो अपने गुरु नरेंद्र गिरी से माफी मांग लिए थे। तो ये कहा जा रहा था कि दोनों लोगों में सुलह समझौता, लेकिन लगातार जिस तरीके की ये घटना हुई उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी न किसी बात से वो बहुत आहत थे। अगर जैसा कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ, अगर वो सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखा गया है तो यहाँ पर जो एक काफी पहले से जो है जो मठ की जमीनों को लेकर भी कुछ विवाद रहे हैं, कुछ शिष्यों की आपसी तालमेल नहीं बनते थे उसको लेकर भी चीजें सामने आती रहती थी। ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर वो बात कोशिश कर रहे हैं कि वो इन सारी चीजों को लेकर व्यथित थे या फिर अवसाद में थे या परेशान थे जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जी संदीप, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, कब तक पहुंचेंगे, उनके साथ कौन कौन वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए अभी जो उम्मीद लगाई जा रही है कि 8:30 के बाद वो सीधे मठ आएंगे, मठ में आकर ये महंत नरेंद्र गिरी जी का और यहाँ पर प्रोग्राम कर ली गई, मठ के अंदर भी पूरी तैनात कर दी गई, मठ के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को जो है काफी चार्टोपन कर दिया गया है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के साथ मौर्या भी हो सकते हैं क्योंकि वो भी प्रयागराज कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। ठीक संदीप, लगातार बने रहिए, सीधा धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं हरिद्वार से, वो भी हमारे साथ लगातार बने रहे। धर्मेंद्र, पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, अब सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। किसी के गले नहीं उतर रहा है और यहाँ जो सर्वोच्च संत हैं, चाहे योग गुरु बाबा रामदेव की बात की जाए या जूना अखाड़े के जो आचार्य हैं अवधेशानंद गिरी महाराज, सभी ने उच्च स्तरीय जांच करने की यहाँ पर मांग की है और पूरा संत समाज के अंदर शोक की लहर है। और कई संत, चूंकि आज उनका अंतिम संस्कार भी होना है, तो यहाँ चूंकि बड़ा अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार में, तो यहाँ के जो सचिव है महंत रविंद्रपुरी महाराज, सभी यहाँ से देर शाम निकल गए थे, सभी संत वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस मामले में सभी लोग दुखी हैं। उनकी जब सूचना आई है तो लोग उसे समझ नहीं पा रहे कि आखिर इतनी इस तरह से वो कैसे जा सकते हैं, तो उच्च स्तरीय जांच की इसमें मांग की जा रही है। हालांकि जो आरोपी है आनंद गिरी उनका शिष्य, उसने भी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। सभी साधु संत ट्वीट भी कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग लगातार कर रहे हैं। ठीक धर्मेंद्र, आप भी हमारे साथ बने रहिए, सीधा खुरम का रुख कर लेते हैं। खुरम, जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें ये जिक्र किया गया है कि नरेंद्र गिरी काफी ज्यादा परेशान थे आनंद गिरी से, अपने शिष्य से, तो क्या कभी नरेंद्र गिरी ने इसका जिक्र कभी किसी से किया है? देखिए इस पर विदित बात थी, सबको मालूम था जो विवाद आपस में चला था नरेंद्र गिरी का और दोनों का, आनंद गिरी नरेंद्र गिरी का, ये सबको मालूम था, सर्वविदित बात थी और इसमें काफी खबरें सुर्खियां भी बटोरी थी। दूसरे के उसके बाद माफी मांगनी थी, लेकिन बार बार नरेंद्र गिरी को लेकर के जो वो बहुत ज्यादा नरेंद्र गिरी आनंद गिरी को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, ये भी बात सामने आ रही थी। लेकिन अपमान और सम्मान की जो बात कही है जो अपनी सुसाइड नोट में, वो ये बताता है कि किसी चीज से बहुत ज्यादा वो परेशान थे, व्यथित थे और बेहद आहत थे। तो वजह कौन सी थी आनंद गिरी बताएंगे? आनंद गिरी ने तो कल इंडिया न्यूज पर साफ साफ कहा कि वो चाहते उच्च स्तरीय जांच हो और ये हत्या है, ये सुसाइड नहीं हो सकती है, जबकि इल्जाम उन्हीं, जबकि जो शक की सुई उन्हीं पर थी। तो जाहिर सी बात है कि जब आनंद गिरी जी पर शक की सुई हो, खुद ये बात बोल रहे हैं कि हत्या नहीं हो सकती, तो ये देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता क्या है और फोरेंसिक रिपोर्ट में आता क्या है, क्योंकि देखिए जो पूरी जांच है ये इन्हीं दो रिपोर्ट्स पर रुकी हुई है, क्योंकि जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये ना बता दे कि मौत की असल वजह क्या थी, हत्या या आत्महत्या, तो फोरेंसिक रिपोर्ट ये ना बता दे कि राइटिंग किसकी थी, तब तक कि आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। पुलिस तफ्तीश कर रही है अपनी, पुलिस का ये मानना है कि बहुत जल्दी वो असल वजह तक पहुंच जाएगी। और जाहिर सी बात है अगर सुसाइड भी है और सुसाइड नोट जो है वो नरेंद्र गिरी ने लिखा हुआ है और उसके बाद इनका नाम है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए उन पर सीधे उन्हीं से पूछताछ होगी।
लेकिन जो बात है आनंद गिरी की, हम बात करें क्योंकि प्रथम दृष्टिया उन्हीं पर शक की सुई घूम रही है, तो बात ये आती है कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी इंडिया न्यूज के सामने, तो और उसके बाद लगातार बयान जारी भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अहम कड़ी है। क्योंकि देखिए विवाद उनसे चल रहा था, ये सबको मालूम, विवाद की वजह क्या थी सबको मालूम है। उन्होंने माफियाज का नाम लिया, कुछ बड़े लोग का जिक्र किया, नाम किसी का नहीं लिया, जिक्र किया कि मठ की जमीन पर लोगों की नजर थी। तो कौन लोग थे? अगर आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे माफिया हैं, कुछ बिल्डर्स हैं जिनकी निगाह थी मठ की जमीन पर, तो जाहिर सी बात है कि आपको उनके बारे में वो और बहुत कुछ मालूम होगा। तो देखना ये होगा कि ये जो संदिग्ध मौत का मामला है कहां तक आगे जाता है, सिर्फ मान सम्मान की बात है या फिर जो संपत्ति का विवाद है, जमीन का विवाद है, कई एंगल्स इसमें निकल के सामने आएंगे। ये बात तो तय है, चाहे वो हत्या प्रत्यय, लेकिन सुर्खियां बटोरता रहेगा। क्योंकि आप देखें जो मठ की जमीन है उसको लेकर अगर आनंद गिरी की बात सही है तो बहुत गंभीर मामला हो जाता है। लेकिन इस बात से भी आप इंकार नहीं कर सकते कि उनका नाम का जिक्र है उस सुसाइड लेटर में, तो बात कहां तक पहुंचती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, या हम एनालिसिस कुछ और करते हैं और तस्वीर कोई और निकल उभर के सामने आती है। तो इंतजार करना होगा, पहले दो जांचों का, जिसकी एडीजी लॉर्ड प्रशांत कुमार से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम तफ्तीश शुरू कर चुके हैं, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही हमारे तफ्तीश को सही रास्ता, सही रुख प्रदान करेगा। तो अब इंतजार करना होगा इन दो का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो अभी तो मुख्यमंत्री को पहुंचना है। संदीप का, संदीप जो सुसाइड नोट मिला है उसमें वसीयतनामा का भी जिक्र किया गया है, क्या यही मेन कारण है आत्महत्या या मौत का, या इसके अलावा भी कोई मेन कारण है? देखिए उसको हम वसीयतनामा की तरह वो लिखा जरूर गया है, उसमें अगर आत्महत्या की है नायक नरेंद्र गिरी ने, तो उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें कोई इस प्रकार से लिखा है कि उसे जो है एक वसीयतनामे की तरह अच्छे देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उसमें तमाम चीजें ऐसी लिखी है कि किसको क्या दायित्व दिया जाए, किसको क्या किस तरीके से, किसके साथ किसको कौन सा पद दिया जाए, इस तमाम इस तरीके की बातें जो है उनके द्वारा उस पत्र में लिखी गई। इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो एक वसीयतनामे की तरह लिखा गया है। आपको मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ कि अखाड़ा परिषद एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि द्वारा ही बनवाया गया था, उसमें आनंद गिरी जी ने मैसेज डाला है, जो कि उसके शिष्य हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा, जो कि वहां से आ रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं प्रयागराज आ रही हूँ और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चाहता हूँ कि वो निष्पक्ष जांच हो और जिस तरह की भी जांच की बात होगी मैं उसमें जो है तैयार हूँ, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट होना चाहिए। जी संदीप, धर्मेंद्र और खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार नरेंद्र गिरी की कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उनके शिष्य आनंद गिरी को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई थी, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, और ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर आगे की तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि रस्सी से लटका मिला था नरेंद्र गिरी का शव, तो ऐसे में पुलिस ने आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव। आपको बता दें कि अंदर से सभी दरवाजे बंद थे, मौके से पुलिस को मिला 7 पेज का सुसाइड नोट। तो संदिग्ध हालत में नरेंद्र गिरी की मौत हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आधा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में ले लिया गया है, लगातार उनसे भी पूछताछ जारी है। रस्सी से लटका हुआ मिला था शव। आपको बता दें कि मठ की संपत्तियों को बेचकर कई लोगों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई हैं। गुरुजी ने मनीष शुक्ला की शादी करवाई थी, करोड़ों का घर दिया, तो ऐसे में शिष्य आनंद गिरी ने ये आरोप लगाए हैं। अभिषेक मिश्रा को गुरुजी ने करोड़ों का घर दिया था, शिवेक मिश्रा ने करोड़ों खर्च कर घर बनवाया था, तो ऐसे में शिष्य आनंद गिरी ने ये कई गंभीर आरोप लगाए हैं महंत नरेंद्र गिरी पर। गुरुजी ने डॉक्टर समेत कई उद्योगपति से कर्ज ले रखा था। इसी के साथ मठ की संपत्तियों को बेचकर कई लोगों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनवाई हैं। तो आनंद गिरी जो
को जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगातार अब आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो सारा गलत है। नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब तक जिया सम्मान के साथ जिया, मैंने हमेशा सभी को सम्मान दिया। अपने सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं किया। 7 पेज का ये सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें मठ को आगे बढ़ाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।